Sanmanya Atyaksha Mahoday, Your Excellency, BRICS Business Council, or New Development Bank के सदस्यगण, मुझे इस विचार विमर्श में शामिल होकर प्रसन्नता हो रही है. ये दोनों मैकेनिज्म ब्रिक्स देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग के उपयोगी मंच हैं. उनके प्रयासों के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. ब्रिक्स देश विश्व की आर्थिक समृद्धि के लिए आशा की किरण है. हमारी बिजनेस के इनोवेशन और परिश्रम हमारी ऊर्जा के आधार है. आज के युग में हर बिजनेस अवसर को पहचानना और उसका जल्द फायदा उठाना बहुत ही जरूरी है. इस संदर्भ में मैं जरूर कुछ सुझाव देना चाहूंगा. पहला, अगले समिट तक 500 बिलियन डॉलर के इंट्रा ब्रिक्स व्यापार का लक्ष्य हासिल करने के लिए काउंसिल एक रोड मैप बनाए. हमारे बीच आर्थिक पूरकताओं की पहचान इस प्रयास में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी. दूसरा, पांचों देशों में कई एग्रोटेक स्टार्टअप्स उभरे हैं. इनका नेटवर्क अनुभव साझा करने और हमारे बड़े मार्केट्स का फायदा उठाने के लिए बहुत उपयोगी होगा. इन स्टार्टअप्स के जरिए कृषि में टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिटिक्स टूल्स के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा. तीसरा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. इसमें आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशन के इस्तेमाल पर काउंसिल भारत में एक हैकेथॉन आयोजित करने पर विचार करें. चौथा, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए एक वर्किंग ग्रुप बेस्ट प्रैक्टिसेस के आदान प्रदान को आसान बनाएगा. ब्रिक्स पे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, री इंश्योरेंस पूल और सीड बैंक जैसे विषयों पर जल्द प्रगति से ब्रिक्स बिजनेस कम्युनिटी को व्यवहारिक सहयोग का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा. न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के बीच पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोनों संस्थाओं के लिए उपयोगी होगा. हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की आवश्यकता है. मेरा मानना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इस क्षेत्र में बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर सकता है. मैं एनडीबी द्वारा प्रोजेक्ट्स प्रिपरेशन फंड की शुरुआत का स्वागत करता हूं. एनडीबी के पोर्टफोलियो में निजी क्षेत्र के प्रोजेक्ट शामिल किए जाने से बैंक की मौजूदगी बढ़ेगी. फ्रेंड्स, मैं ब्रिक्स देशों और एनडीबी से कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल में शामिल होने का अनुरोध करता हूं. डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाने पर एनडीबी के साथ कार्य करके भारत को प्रसन्नता होगी. मैं अनुरोध करता हूं कि भारत में एनडीबी के रीजनल ऑफिस की स्थापना का कार्य जल्द पूरा किया जाए. इससे हमारी प्राथमिकता के क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा. फ्रेंड्स, भारत में निवेश के बढ़ते अवसरों और इनोवेशन के इकोसिस्टम से आप भलीभांति परिचित हैं.
सन 2022 तक न्यू इंडिया के निर्माण और भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। एक्सलेंसीज, फ्रेंड्स, मैं कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि ब्रिक्स आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का हमारा सपना काउंसिल और एनडीबी के पूरे सहयोग से ही साकार हो सकता है। इस उद्देश्य के लिए आपके प्रयासों में भारत आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।